नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं एच न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। यह है राजगढ़ जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं। अस्पताल के बाथरूम में हुई डिलीवरी, परिजनों ने लगाया कई गंभीर आरोप। राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक के उदनखेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर डिलीवरी के लिए पहुंची महिला व परिजनों को अस्पताल स्टाफ का घंटों इंतजार करना पड़ा। जब वहां पर कोई नहीं पहुंचा तो बाथरूम में ही परिजनों द्वारा डिलीवरी करवाई गई। सराली से गर्भवती महिला को लेकर आए पति नितेश लोधी ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, ना तो यहाँ पीने का पानी है, ना बिजली की व्यवस्था है। आए दिन गर्भवती महिला और यहाँ इलाज कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नितेश लोधी ने बताया कि मैं अपनी पत्नी भारती लोधी को अस्पताल उदनखेड़ी लाया गया। 8 बजे से 12 बजे तक अस्पताल में कोई कर्मचारी या नर्स, पूरा स्टाफ कोई भी मौजूद नहीं था। महिला को बाथरूम में ही डिलीवरी हुई। साथ में आई महिलाओं ने डिलीवरी होने पर शिशु को संभाला। परिजनों का आरोप लगाया है कि अगर साथ में महिला नहीं आती तो बच्चे को कौन संभालता। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर गाँव के लोग पहुंचे। परिजनों ने बताया कि लाखों की बिल्डिंग, इतना बड़ा अस्पताल होते हुए भी कोई भी मौजूद नहीं रहता। अब देखना ये होगा कि इन लापरवाह लोगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर ऐसे ही आए दिन घटना घटती रहेगी। देखिए पूरी खबर मंडावर से। होकम प्रजापति की रिपोर्ट। कितने बजे आए थे आप? सुबह के आगे 8 बजे। किस काम से आए थे? डिलीवरी कराने के। अच्छा, यहाँ कोई फिर 8 बजे कोई मिला आपको? कोई भी नहीं मिला, ताला लग रहा था। फिर किसको बुलाया आपने? मैडम को बुलाया वहाँ से। मैडम कौन? सुल्तान वाली मैडम को। अच्छा, तो उनके घर गए थे आप? हाँ। फिर क्या बोला उनने? उनने इंजेक्शन लगा दे, तुम गए वहाँ पे चलो। हाँ। हम यहाँ आ गए, हम यहाँ तड़फड़ा रहे, जब कोई नहीं आया। अच्छा, 12 बजे तक कोई नहीं आया। मैडम दर्द होने लगा, लेटरिन में गई मेरी बहू और वो बच्चा बच्ची बाहर आ गया। मैंने पेट पकड़ा, ताकत लगाई, जब तक नहीं आया हो गया, जब बाद में आया। डिलीवरी में बाथरूम में डिलीवरी? हाँ, बाथरूम में डिलीवरी। मैंने पेट पकड़ा था उनको कि हम नहीं आ रहे हैं। वो मना करना था, हम नहीं आए, हम दूसरे ले एक बार देखने आ जाते। इनके ड्यूटी थी तो इनको मना करना था ना। कोई भी नहीं था अस्पताल में, मेरी मम्मी आई साथ में और उनने बोला कि अस्पताल में चलो। सुल्तान वाली मैडम के पास गए, उनने बोला इंजेक्शन लगा के अस्पताल में चलो, मैं आ रही हूँ। इसके बाद में अस्पताल में कोई भी नहीं आया और आज मेरी मम्मी नहीं होती तो मेरा बच्चा बच्ची जो भी हुआ है वो मरता। मेरी मम्मी की वजह से, मेरी मम्मी ने पकड़ा उसको और उसकी डिलीवरी बाथरूम में हुई। ये अस्पताल वाले की लापरवाही है, इसके लिए कार्यवाही की जाए। और 8 बजे का मैं यहाँ भटक रहा हूँ, अस्पताल का ताला स्वयं मैंने खोला, ना जाने कौन ने चाबी दी। एक चाय वाले के पास चाबी थी अस्पताल की, उन्हें एक भी स्टाफ मौजूद में नहीं था। और मेरा बच्चा बच्ची बाथरूम में हुआ है और मेरी मम्मी ने डिलीवरी करवाई उसकी, वो बाथरूम में गिरा उठाया उनने। मुझे रमेश जी लाइनमैन साहब का फोन मेरे पास आया था कि डिलीवरी के लिए हम अस्पताल में आए हैं। मैंने डॉक्टर साहब को फोन पे बताया कि डॉक्टर साहब डिलीवरी के लिए आदमी वहाँ खड़ा है, आप व्यवस्था करो। और डॉक्टर साहब को 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया कि मैंने व्यवस्था कर दी है, स्टाफ पहुँच रहा है। लेकिन जब मैं अभी रमेश जी का फोन आया यहाँ 11:30 बजे, उनने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं, मेरी बहू की डिलीवरी बाथरूम में हुई है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई स्टाफ मिला जिसकी ड्यूटी है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी भी ड्यूटी उसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, नहीं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे।